एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का व्लॉग रहने वाला है क्रिसमस के ऊपर। आप व्लॉग को एंड तक देखना। हम भी जाएंगे चर्च में और आप सभी भी जाओगे, ज़रूर जाना। हम मतलब पिछले लास्ट 3 ईयर से जा रहे हैं, तो अब की बार भी हम जाएंगे। वैसे तो कोरोना है, पिछली बार तो बाहर से ही कैंडल लगा के आना था। अब हम आज देखते हैं कि क्या होगा। कल तो तैयारियाँ चल रही थी, वो भी व्लॉग आज अपलोड हो जाएगा। तो आप हर ब्लॉग को देखा करो, लाइक किया करो, कमेंट किया करो, आपको कैसा लगा वो मेरे को बताया करो। नेक्स्ट ब्लॉग किसके ऊपर लेके आना था वो भी आप हमें बताया करो। तो आपको पता है आज अब उठ चुके हैं, तो आगे की एक्टिविटी क्या रहती है, काम वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद तो फिर हम रेडी होंगे, उसके बाद घर से निकलेंगे जहाँ 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 हमें जाना है। और आप भी अपना काम कर लो और चर्च में ज़रूर जाना एक बार, क्योंकि ये भी तो सब त्यौहार तो सबके एक जैसे ही होते हैं। तो मैं फाइनली अभी चाय पी लेती हूँ, उसके बाद ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा और ब्लॉग को एंड तक देखना, बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है। पूरे रूम का हाल बना हुआ है। यहाँ पे भाई सोता है, यहाँ पे पापा सोते हैं और ये आंसू सोती है यहाँ पे। अभी हम जल्दी से साफ सफाई कर देते हैं, उसके बाद फिर रेडी होंगे। आप दोनों कैसे बैठे हो? आशु, इसका ध्यान तो और ही कहीं है। ओह माय गॉड, क्या हो गया? नहीं नहीं नहीं, बॉस बॉस। आशु ये क्या बज रहा है? ये मैया। आशु गाना बज रहा है यार। हाँ गाना बज रहा है ये, और ये क्या कर रहा है? ओए तू कैसे सोता है गंदू? आज धूप निकली हुई है और इतनी ठंड भी नहीं है, तो आज अच्छे से घूम सकते हैं हम। और वो देखो क्या कर रही है, क्या कर रही है, क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या आप? निकली हुई है और इतनी ठंड भी नहीं है ना आशु, ठंड नहीं है ना आज। ये कबूतरों को दाना बिल्कुल भी नहीं खाने देती। ले ले इसको, ले चल। क्या इसमें? अरे अरे बिट्टू गिर जाओगे। और ये क्या कर रहे हो आप? गंदा, उठा ले इसको, उठा ले उठा ले उठा ले। किसी दिन चोट खाएगी आंसू तू, बस थक गए हो अब आप, है ना? ना ना मैं तो थक ही नहीं सकती, है ना गंदा। आज सुबह मतलब व्लॉग डाला है और उसमें मैंने बताया कि मम्मी की उल्टियाँ लगी थी, वो आंसू की वजह से लगी थी, क्योंकि जो इसका केमिकल था इसको नहलाने का, इसने वो मम्मी के ऊपर गिरवा दिया, वो थोड़ा सा अंदर चला गया और बिल्कुल हैवी था वो, उसके कारण ब्लड वॉमिटिंग हुई और काफ़ी दिक्कत हुई थी। थैंक गॉड वो थोड़ा उसी टाइम संभल गए तो ठीक हो गया, अदरवाइज़ हाई डोज की थी तो कुछ भी हो सकता था। और फिर बाद में इतनी सैड हो गई कि मैं क्या करूँ, मेरी वजह से हुआ है, मम्मी के पास से हिली भी नहीं है, इतनी शरारती है ये। तो कोई बात नहीं, हो जाता है ये छोटी मोटी मिस्टेक, संभल के रहना चाहिए इन केमिकल वगैरह से, क्योंकि वो व्लॉग मैंने डाला इसलिए मैंने इस व्लॉग में बताया है। ये व्लॉग आप एंड तक देखना और आपको कैसा लगा मेरे को ज़रूर बताना। हम जल्दी से मैं काम कर लेती हूँ, मैंने अभी तक तो कोई काम नहीं किया है, फिर उसके बाद हम रेडी होंगे और निकलेंगे यहाँ से। अच्छा अच्छा नहीं आना तो मत आओ, बाय, हम जा रहे हैं, बाय आंसू, मैं बाहर जा रही हूँ, बाहर जा रही हूँ मैं। यू कौन जाओ बाहर पप्पू, हर वाह ऊपर खड़ी है, बहुत खेल है उसको, टोरी गला है, राड़ सुन लग रही है के चल रहा है। वह देख दी कौन क्या सु खैजलू है, थोड़ी सी मोड़ दे नीचे कर दे, नीचे वो कर कर हाँ, बढ़िया है, बढ़िया, थोड़ी सी पच्छड़ तो ये हाँ।
मस्त लग रहा है अम्मी। मेरा टोपू देखो कि खड़ा इसका। के पास बैठी है, क्या देख रहा है? कानू बन गया सेंटा क्लॉज। कल हम इसकी एड्रेस लेके आए थे। हेलो एवरीवन, फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ और मेरे को बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो यहाँ से हम व्लॉग दोबारा कंटिन्यू कर देते हैं और मैं अभी घर से निकल रही हूँ। आगे मेरे को भावना मिलेगी, फिर उसके बाद हम जाएंगे चर्च में। तो शाम को जाने का फ़ायदा होता है, बट हम देखते हैं अब हम कहाँ जाएंगे, फिर उसके बाद हमको कहाँ जाना है। तो व्लॉग में आप कंटिन्यू रहना और कमेंट करके मेरे को ये बताना कि मैं आपको कैसी लग रही हूँ। इतनी फोर्स क्यों आ रही था तू? पता नहीं किस चीज के लिए है। कहाँ पे है वैसे ये? ओ ऐसे क्या देख रहा है? मन ने भी नो कर दिया उनने भी। हम जा रहे हैं गुजरी महल में क्योंकि यहाँ पे अभी टाइम नहीं हुआ है चर्च का, तो इसलिए हम थोड़ा गुजरी महल में घूम लेते हैं। और यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट चल रहा है शायद, वो मैंने व्लॉग में दिखा दिया। और इस मैम को देख लो आप, ये मैम एक सूट पहन के आई है ब्लैक कलर का और आप बता देंगे कैसी लग रही है। ठीक है ओके, अब एग्जैक्ट गुजरी महल के सामने ही है और आप देख ही रहे हो। अभी हम अंदर जाएंगे, अभी एंट्री करेंगे। यहाँ पे हम कुछ रील्स भी बनाएंगे, आज मैंने इंस्टाग्राम पे भी रील्स बनाई है तो आप वो भी देखना। और मैं इंस्टाग्राम पे भी रेगुलर नहीं हो पा रही थी क्योंकि मेरे को सुबह सुबह जल्दी कॉलेज जाना पड़ता है, फिर मैं लेट हो जाती हूँ वीडियो वगैरह बनाऊँ तो इस करके मैं नहीं बना पाती हूँ। और ये मैम पता नहीं किससे बात कर रही है, इसको डेली का ये ड्रामा चलता है। बहुत ट्रैफिक है, पता नहीं क्यों वो इतने सारे लोग इकट्ठे हो रहे थे यहाँ पे। ये है गुजरी महल। आज तो बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, नाड़ है ना ये। क्या सोच के बना रखे यार, मेरी समझ में नहीं आ रहा है ना, ये सब टूटा फूटी हो रही है मन लगा इस मन। ये वो लोग तो यहाँ से ही चढ़ गए, अपने भी चढ़ जाना था है? आ जा। नीचे से ये देखो यहाँ पे रोज ले रही है। किसको देगी? किसी देगी? सोनी सोनी है, ए सोनी है, किसी देगी? और इसमें ऐसे ऐसे काम अरे के हो। कितने सुंदर फ्लावर हैं। उसमें लेने हुए तेरे से बात करी कि तूने ही बे है तेरे से कहे भी मैं ले लिया ही बे किस देव की सोनी है? अच्छे तो नहीं डाले आपने, ये इसमें तो अच्छे हैं। पानी में लगे हुए और ये क्या पिज्जा खाने और पिज्जा कंपनी में दिखाती हूँ मैं अभी बैक करके।
यहाँ पे डेकोरेशन चल रही है अभी, हम लजीज होटल के पास हैं। उसा है क्या सचिन लेकर गया था? चलो खा के चेक करते हैं। अब हमने पिज्जा खाया है और अब हम जा रहे हैं चर्च में, वहाँ पे हम कैंडल लगाएंगे, फिर उसके बाद हम अपने घर पे जाएंगे, फिर व्लॉग का एंड हो जाएगा। और आज हमको बहुत ही मजा आया, बहुत। पहले हमने सोचा था कि कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा, कोई मजा ही नहीं आएगा हमें, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर हमने सोचा कि कुछ कुछ हम करते हैं, फिर उसके बाद हम चल रहे हैं पैदल पैदल, और कोई यहाँ पे रो भी रहा है ये देखो, और ये मर भी रही है अभी, ये लड़ाई कर रही है अपनी सिस्टर के साथ, बोल रही है कि मुझे एक कैंडल दिला दो। और यहाँ पे एक धवाली धमाका की सेल है, और मैं एक बार देख लेती हूँ, यहाँ से मैं कुछ ले लेती हूँ और इसको कुछ दिला देती हूँ इस मैम को। मैम गुस्से में रहती है सारा दिन। और जरूर कितने क्राउड है यहाँ पे अंदर, तो अभी की बार इतनी भीड़ नहीं है। हमने इतनी सारी मोमबत्ती ले ली, और मैम के पास मास्क नहीं था तो इसको बोले कि बाहर चलो, इसको निकाल दिया था। यार रात को आएंगे ज्यादा लोग। अब मैं घर आ चुकी हूँ और मैंने ड्रेस भी चेंज कर लिया। आते ही मैं अपने कंबल में घुस जाती हूँ, क्योंकि खाना वगैरह तो मम्मी ही बनाते हैं। कल ही मैंने बनाया था क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब थी, और आज हमने बहुत इन्जॉय भी किया, और एक हम क्रिसमस वो भी लेके आए हैं, सेंटा क्लॉज भी लेके आए हैं, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। और खानों को भी हमने ड्रेस पहनाई थी, वो भी आपने देख ली होगी, बहुत ही क्यूट लग रहा है खानों को भी। मैं व्लॉग में अभी आपको बैक करके दिखाती हूँ, सुबह उसको माला वगैरह पहना रखी थी तो ड्रेस दिख नहीं रही थी अच्छे से, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और जो सेंटा क्लॉज लेके आई हूँ वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। व्लॉग को आप एंड तक देखना, और कैसा लगा वो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, और कौन कौन चर्च में गया था वो भी मेरे को बताना, कि सभी एक एक कमेंट जरूर करना, ठीक है। अभी मैं आपको बैक करके दिखाती हूँ। सेंटा क्लॉज लेके आई, और ये रोज मेरे को मिला, मैंने अभी कानू के पास रख दिया है इसको। अब देखो कानू की ड्रेस, पूरा सुंदर बाबू लग रहा है ये, बैठा है आराम से। और ये है
ये मैंने कानू के पास ही रख दिया एक बार। ये सेंटा क्लॉज कानू, मैरी क्रिसमस। हम ब्लॉग की एंडिंग कर देते हैं और मैं दोबारा फिर कह रही हूँ, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो और सपोर्ट करो, आपके सपोर्ट के कारण ही हम आगे बढ़ेंगे। ब्लॉग को पूरा देखा करो, अगर बीच में कोई आपको यूँ लगे कि ज़्यादा लंबा दे रखा है कोई भी, मतलब आपको ये लगे कि ज़्यादा है, तो उसको आगे करके पूरा देख लिया करो, एंड तक देखा करो और प्यार भी दिया करो। इसी कारण ब्लॉग की एंडिंग करते हैं। Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer.